हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधाज होम। आज हम बनाएंगे कच्चे आम और हरी मिर्च का अचार। अगर आप सब्जी खाते खाते हो गए हैं बोर, तो आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, जिसे हमने तरह तरह कूट लिया, 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच हमने मेथी ली है, 1/2 चम्मच से भी क्या हमने हींग ली है, हींग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, 1/2 चम्मच नमक और 5 से 6 साबुत लाल मिर्च। और ये हमने 250 ग्राम कच्चा आम लिया है, जिसे हमने धोया, सुखाया, छील लिया और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और ये हमने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, जिसे हमने धोई, सुखाई और अपनी चॉप काट ली है। और ये हमने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है। अब हम सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे। ये हमने ऑयल को गरम कर लिया। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम मेथी डाल देंगे। मेथी डालने के बाद इसमें हम सरसों डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ध्यान रहे कि मसालों को हमें साथ ही साथ चलाते भी रहना है। और अब इसमें डालते हैं हम सौंफ। अब मसालों को हम हल्का भून लेते हैं। मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम मसालों को भूनेंगे। मसाले अच्छे भुन जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये कच्चा ग्रेटेड किया हुआ आम, जिसे हमने अच्छे से धो लिया था, सुखा लिया था और मोटा मोटा ग्रेट कर लिया था। और इसके साथ ही हम ये हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ ही हम साबुत लाल मिर्च को भी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे डेंगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च। मसाले डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना आसान है इस आम और हरी मिर्च के अचार को बनाना। बहुत ही टेस्टी अचार लगता है और बहुत जल्द बन भी जाता है। आप इस अचार को तुरंत खा भी सकते हैं, लेकिन आप इस अचार को 2 से 3 दिन बाद खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि मसाले आम के जूस को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे। और लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच वाइट सिरका। तो इस तरह से ये आम और हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार हो जाता है। आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं पूड़ी, पराठा या चपाती के साथ। किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब इस अचार को हम एक प्याले में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अचार अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे कांच के कंटेनर या प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।